हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग ट्रेंडिंग ज्ञान। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटेल A50 मोबाइल फोन में आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस फोन में साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, आपको यहां पर पावर बटन पर ही सेंसर देखने को मिल जाता है। आप अपने फोन को पावर बटन पर टच करने के बाद अपने फोन को अनलॉक कराना चाहते हैं तो आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों, आप ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक फीचर्स देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्क्रीन लॉक को सेट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर स्क्रीन लॉक को सेट किया है तो आप उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एड फिंगरप्रिंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेक्स्ट का एक ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों, आप अपने पावर बटन पर अपने फिंगर को ऐड करा लीजिए। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आप अपने फिंगर को यहाँ पर बार बार उठाइए और लगाइए तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप भी अपने फिंगरप्रिंट को ऐड करा लीजिए। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं मेरा फिंगरप्रिंट कम्प्लीटली लग चुका है। अब फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो यहां पर ऐड हो चुका है। मान लीजिए दोस्तों, आपका फोन कुछ इस प्रकार से लॉक है और आप अपने पावर बटन पर अपने फिंगर को टच करा देंगे तो आपका फोन यहीं से अनलॉक हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से आईटेल A50 मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं।